नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी जानकारी के साथ बने रहिए, देखते रहिए आपकी खबर आप तक। आपको बता दें कि आज 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को थाना रेवसा क्षेत्र इलाके में एक विवाहिता ने 3 लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पर थानाध्यक्ष और रेवसा पुलिस के द्वारा मामले को संगीन सघनता से लेते हुए जांच पड़ताल कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी करने में जुटी हुई है। वहीं पर इस बाबत में जब थानाध्यक्ष से बात की गई पुष्पराज कुशवाहा से, तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, घटना की प्राथमिकता के तौर पर जांच पड़ताल चल रही है, की जा रही है और सच्चाई को ही ला करके जाँच पड़ताल करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी, किसी को नाजायज तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसी बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि थाना रेवसा क्षेत्र की एक महिला ने थाना रेवसा क्षेत्र के ही ग्राम शेवता के निवासी, आपको बता दें कि 3 लोगों पर आरोप लगाया है, मनीष पुत्र पप्पू और इस्लामुद्दीन पुत्र सलाउद्दीन और शाबान पुत्र लतीफ, इन 3 लोगों पर आरोप छेड़छाड़ का लगाया है एक महिला ने। वहीं पर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं किस कदर से आज भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं हिचकिचाते हैं, लेकिन अब मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस उसकी जांच पड़ताल करने की बात कही है।